पंजाब विच करोना महामारी दे फैलदे दायरे नूं वेख सूबा सरकार वल्लों ऐलाने लॉकडाउन खिलाफ हुण पंजाब दीआं संघर्षशील 32 किसान जथेबंदियां ने सिद्धा मोर्चा खोल दिता है। तां इस दरम्यान जथेबंदियां दे इस ऐलान पिछों सवाल उठन लगे हन कि की किसान अंदोलन अपने मूल एजेंडियां तों भटकण लगा है, हुण खेती कानूनां दा मसला गाउण है अते किसान जथेबंदियां होर ही राहां ते तुरदियां नजर आ रहियां हन। असल च दिल्ली मोर्चे उते डटियां 32 किसान यूनियन ने कोरोना वायरस दे नां हेठ थोपे लॉकडाउन दा विरोध करन दा फैसला कीता है। किसान आगुआं ने कहा कि 8 मई नूं इन्हां पाबंदियां दा विरोध करनगे, जदों कि दुकानदार अपनियां दुकानां खोल के ही इस दा विरोध दा हिस्सा बनणगे। किसान आगुआं ने कहा कि सरकार कोरोना महामारी दी दूजी लहर दौरान बुनियादी सहूलतां मुहैया करवाउण तों खुंझी है अते हुण अपनी इसे नाकामी ते पर्दा पाउण दे लई लोक विरोधी फैसले लई तालाबंदी जिहे फैसले लागू कर रही है। पंजाब विच लॉकडाउन दे इस विरोध दा फैसला सिंघू बॉर्डर ते संयुक्त किसान मोर्चे विच शामिल 32 किसान जथेबंदियां दी जो पंजाब नाल संबंधित हन एक मीटिंग दौरान लिया गया है। मीटिंग उपरंत किसान आगुआं ने कहा कि केंद्र सरकार कोरोना विरुद्ध लड़न च असफल रही है। सरकार नागरिकां नूं सेहत सहूलतां ते बुनियादी सहूलतां जिवें ऑक्सीजन बैड दवाइयां आदि मुहैया करवाउण च नाकाम रही। हालांकि भाजपा किसानां नूं कोरोना फैलाउण लई ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ इस तरह का सुभाव बन गया, जो परफॉर्मेंस कोई हो तो लोगों कोई जी जरूरी सेवावान प्रदान ना कर सकन तो फिर वो लोगों घर ताड़ के लॉकडाउन की आड़ जिथे अपन नाकामिया से पर्दा पाती है उदा असर यह होंगे भी टोटल इकोनमी प्रभावित होंगी है। गरीब आदमी रोटी कमाने वास्ते दिहाड़ी नहीं मिलती, रेहड़ी लाने वाले दुकानदार जिहड़ा हर एक नूं वो अपने काम तो पहला हो जाता है उहदा नुकसान हुंदा है, साडी इंडस्ट्री का नुकसान हुंदा है, हर कारोबार का जिहड़ा पट्ठा बैठता है। तो यह लॉकडाउन इस समस्या का कोई हल नहीं। सरकार नूं चाहीदा तो यह सी वी लोकां नूं पूरी तरह अवेयर कर दी इस बीमारी के बारे किहड़ियां किहड़ियां प्रीकॉशनस लैनियां ने इहदे बारे सरकार लोकां नूं जागरूक करदी और लोकां नूं सहूलतां दिंदी, हस्पतालां दे विच मैडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करदी। अज हुण सारी दुनिया विच साडे देश की बदनामी हो रही है, ना तां असीं जिहड़े बीमार ने उहनां लई ऑक्सीजन गैस सप्लाई कर पा रहे हां, ना साडे कोल बाकी कोई इक्विपमेंट है। इह बहुत वड्डी पत्थर ते इह बीमारी फैली है और ये साडे लई इक तसल्ली वाली गल है भी असी जिहड़े साडे मोर्चे वालियां थावां ने उत्थे असी इन्नियां प्रीकॉशनस लईआं होईआं, असी अपने लोकां नूं इन्ना अवेयर करदे हां हर वेले दिन विच सारी दिहाड़ी उहनां नूं कई कई वारी गर्म पानी पिलाउणा, काढ़ा पिलाउणा, विटामिन सी वर्गीआं गोलियां देणियां, इहो जिहे काम असी करके हुण तक असी अपने मोर्चे नूं बचाया होया। पर इसे लई क्योंकि सरकार लोकां नूं गुमराह करन लई अपनियां नाकामियां ते पर्दा पाउण लई लॉकडाउन लाउंदी है। लॉकडाउन किसी समस्या का हल नहीं, लॉकडाउन बहुते देश नहीं लाउंदे, ये सिर्फ भारतीय सरकार नूं है या इत्थे दीआं सूबा सरकारां नूं इह चा चढ़िया जिहदे नाल करोड़ां लोकां दे रुजगार चले गए। अज दी तारीख च करोड़ां लोकी बेरुजगार होए ने, जिहड़े प्रवासी मजदूर ने उह बेचारे घरां नूं फिर भज रहे ने, एक महीना काम करते हैं फिर ये लॉकडाउन करते हैं, फिर बेचारे घर भजते हैं। इसे लिए साड़ियां पंजाब दी जथेबंदियां ने फैसला किया है तो इसी सरकार की इस लॉकडाउन की पॉलिसी का डट के विरोध करांगे। 8 तारीख को जिन्हें साढ़े फील्ड विच साढ़े वर्कर ने वो लोगों नूं नाल लेके कहणगे भी अपनी दुकाना खोलो, सरकार के इस लॉकडाउन की बिल्कुल परवाह ना करो, थां थां इकट्ठे होकर धरने मुजहरे करो और सरकार नूं कहो भी वह इस बीमारी नाल लड़न लई जिहड़ियां दवाइयां या सहूलतां चाहीदियां वह प्रोवाइड करे, लोकां दा रुजगार ना खोए। इहदे लई मैनूं हुक्म होया 32 जथेबंदियां वल्लों, मैं पंजाब दा केस इह संयुक्त किसान मोर्चे च परसों दी मीटिंग च रखांगा जिथों असीं रिक्वेस्ट कीती है सारिआं ने
ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰੌਣਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਵਧਾਵੇ 10 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਲੋਕ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਤੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਦਕਾ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ ਧੰਨਵਾਦ लिहाजा पंजाब दीआं 32 किसान जथेबंदियां ने फैसला कीता है कि 8 मई नूं वड्डी गिणती विच किसान मजदूर दुकानदार सड़कां ते उतर के सूबे विच तालाबंदी दा विरोध करनगे। किसान आगुआं दा कहना है कि सरकार करोना दी आड़ विच कारपोरेटां नूं लाभ देना चाहुंदी है। किसान कानूनां ते लेबर कोड जिहे किसानी ते मजदूर मारू फैसले पिछले साल तालाबंदी दौरान लै गए। ਬੋਗ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ने कहा कि 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। साडे यूट्यूब चैनल नूं सबसक्राइब करो।